नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। बंगाल की शेरनी कही जाने वाली महुआ मोइत्रा, जिन्होंने गौतम अडानी प्रकरण पर जमकर रिसर्च किए और एक के बाद एक ऐसे कई खुलासे किए जिससे हड़कंप मचा। वही महुआ मोइत्रा ने जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पोल खोलनी शुरू कर दी तो निशिकांत दुबे छटपटा उठे और निशिकांत दुबे लगे महुआ मोइत्रा से पंगा लेने। अब वो कभी सोचे भी नहीं होंगे कि महुआ मोइत्रा के ऊपर बदजुबानी करने के बाद उनकी क्या हालत हो जाएगी। निशिकांत दुबे को महुआ मोइत्रा से पंगा लेना काफी भारी पड़ गया। अब निशिकांत दुबे के ऊपर धाकड़ महिलाओं के ग्रुप ने हमला बोल दिया। निशिकांत दुबे बुरी तरीके से छटपटा चुके हैं। एक के बाद एक कई ऐसे मैसेज निशिकांत दुबे को मिले क्योंकि दुबे जी ने इतनी खराब टिप्पणी महुआ मोइत्रा को लेकर, जो टीएमसी की सांसद हैं साथ ही साथ झारखंड से एक विधायक हैं, उनके ऊपर भी, उस महिला के ऊपर भी इन्होंने एक गंभीर टिप्पणी कर दी। अब फिर तो धाकड़ महिलाओं की बारी थी। उन लोगों ने जो निशिकांत दुबे की क्लास लगाई उसको लेकर हम कई आपको ऐसे मैसेज दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ आपको यह बता दें कि निशिकांत दुबे की बौखलाहट इसलिए बढ़ गई क्योंकि महुआ मोइत्रा ने उनके फर्जी डिग्री के कारनामों की तमाम काली चिट्ठी खोलकर सामने रख दी। जिस प्रताप यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री की बात की उसके ट्रांसक्रिप्ट पर सवाल खड़े कर दिए, उनके एमबीए की डिग्री पर, उनके पीएचडी की डिग्री पर, तमाम डिग्रियों पर सवाल खड़े हो गए कि निशिकांत दुबे नाम का कोई विद्यार्थी इस तरीके की डिग्री लिया है, उसमें तो सच्चाई है ही नहीं। हालांकि कागजों की बाजीगरी में निशिकांत दुबे ये कहते हैं कि हमें तो कोर्ट से भी इस मामले में राहत मिल चुकी है, लेकिन फर्जी डिग्री के बेताज बादशाह निशिकांत दुबे महुआ मोइत्रा पर एक खराब टिप्पणी करके फंस गए। उन्होंने क्या टिप्पणी की, क्या ट्वीट कर दिया अपनी बौखलाहट में, उसे भी जरूर आप देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि निशिकांत दुबे ने ऐसा क्या लिखा जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। इसमें सिर्फ महुआ मोइत्रा को ही नहीं, दीपिका पांडे सिंह जो झारखंड में महिला विधायक हैं उन पर भी टिप्पणी की। तो सबसे पहले निशिकांत दुबे का ट्वीट देखते हैं, उन्होंने क्या लिखा था। जिस महिला को बड़े छोटे का लिहाज नहीं, खासकर विकृत मानसिकता की शिकार बंगाल से आई एक महिला सांसद व मेरे झारखंड की विकृत विधायिका के लिए, उनके लिए सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हल्का कमेंट्स नहीं करें, अपने धर्म में वैशाली की नगर वधू तक को सम्मान समाज ने दिया है। वैशाली की नगर वधू से महुआ मोइत्रा और फिर झारखंड की विधायक, महिला विधायक की तुलना कर बैठे। अब जरा सोचिए वैशाली की नगर वधू के बारे में जो भी जानेंगे समझेंगे वो सीधे तौर पर कहना क्या चाह रहे हैं, क्या सम्मानजनक ये महिलाएं उनकी नजर में वैशाली की नगर वधू है। वैशाली के नगर वधू का मैं खुलकर कहूं कि इन्होंने वेश्या से, प्रोस्टिट्यूट से तुलना करने की कोशिश की है। एक बंगाल की शेरनी जिन्होंने देश में गौतम अडानी प्रकरण को लेकर इतने खुलासे किए जिसके बाद अडानी तक छटपटा गए, तो निशिकांत दुबे की छटपटाहट तो तय थी। अब इन्होंने जो ट्वीट किया है, आप बताइए कि इस पर धाकर महिलाओं की टीम का हमला होगा या नहीं होगा। तो इसको लेकर सबसे पहले शुरू करते हैं महुआ मोइत्रा से। महुआ ने लिखा, VKNV, वैशाली की नगर बधू इज द नेम गिवन टू मी बाय फर्जी भैया, समथिंग टू डू विद द सिटी वैशाली एंड वुमन आई एम टोल्ड। इसके बाद इनका एक ट्वीट और थ्रेड है जिसमें उन्होंने लिखा है, अवेटिंग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन व्हाट्सएप कॉल्ड फुल डोजियर एंड लेटर्स अगेंस्ट MM महुआ मोइत्रा ऑल्सो नोन एज VKNV। इस तरीके के मैसेज आने लगे हैं। तो महुआ मोइत्रा ने कहा है कि अब मेरे फर्जी भैया ने मुझे वैशाली की नगर वधू का नाम दिया है, क्या मेरा कोई वैशाली की महिलाओं से और इस शहर से लेना देना है क्या, ऐसा मुझे बताया जा रहा है। तो देखा आपने, यहाँ तो महुआ मोइत्रा ने हमला शुरू कर दिया वो भी तंज के रूप में, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरीके से क्लास लगाई है वो देखना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में सारी दुनिया के सामने अमित मालवीय को फेक न्यूज के मामले में तो रगड़ा ही,
साथ ही साथ उन्होंने निशिकांत दुबे पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा वहां पर उन्होंने, थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर ट्वीट पर आते हैं। मिस्टर निशिकांत दुबे इज अ बीजेपी एमपी, she's not from my party, she's a TMC MP, an MLA from my party, Deepika Pandey, he puts out a tweet and says, हमने तो वैशाली की नगर वधुओं का भी सम्मान किया। वैशाली की नगर वधु is referring to a prostitute. Are you willing to tell your colleague to take down that tweet? If तो देखा आपने, सुप्रिया श्रीनेत ने आगे ट्वीट में लिखा, निशिकांत दुबे एक जाहिल विकृत आदमी है जो एक महिला सांसद महुआ मोइत्रा और महिला विधायक दीपिका पांडे सिंह को वैशाली की नगर वधु कह रहा है। इन्होंने टैग किया NCW इंडिया और फिर रेखा शर्मा को कि भक्ति से फुर्सत हो तो इसका संज्ञान लें, ट्रैक रिकॉर्ड देखकर उम्मीद कम है लेकिन फिर भी। और वही उन्होंने याद इस बात की भी दिलाई, स्मृति ईरानी जो भरे सदन में चीख चीख कर कहती थी सोनिया गांधी माफी मांगो, वो स्मृति ईरानी कब चीखेंगी माफी मांगो दुबे माफी मांगो, कब होगा ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी धाकड़ महिलाओं ने निशिकांत दुबे की जमकर क्लास लगाई है, इसमें स्वाति मालीवाल भी हैं, इसके अलावा कुछ महिला पत्रकार भी हैं जिन्होंने टिप्पणी की है, वो भी अपने स्क्रीन पर देखिए। स्वाति मालीवाल से ही शुरू करते हैं। स्वाति मालीवाल ने लिखा, राजनीति में मतभेद कितने ही बड़े क्यों ना हो भाषा का स्तर नहीं गिरना चाहिए। इसी सदन ने इंदिरा वाजपेयी जी की बहस भी देखी है लेकिन कभी मर्यादाओं को लांघते नहीं देखा। एक महिला सांसद की तुलना नगर वधू से करना बेहद निंदनीय है। निशिकांत दुबे तुरंत इस बयान पर देश से माफी मांगिए। आप जानते हैं कि स्वाति मालीवाल महिला आयोग की अध्यक्ष है, दिल्ली महिला आयोग की, और फिर इन्होंने जो टिप्पणी की है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। दुबे जी को नींद नहीं आने वाली है, वो छटपटा चुके हैं। छटपटाने के बाद उनका रिएक्शन भी आया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे पहले, लेकिन देख तो लें किस कदर महिलाओं के ग्रुप में दुबे जी फंस गए बीच में और चौतरफा वार शुरू हो गया। शेरनियों ने इनकी क्लास लगानी शुरू कर दी। स्वाति चतुर्वेदी महिला पत्रकार है, इन्होंने लिखा है, This is how your MP respects a woman leader, a colleague in the house, Mahua Moitra beyond shameful PMO India and JP Nadda. Punish this sleazy man or stop talking about Beti Bachao, not tagging Irani because she is a taxpayer burden who has never spoken for woman. Swati Chaturvedi ne bahut hi kare shabdon mein kaha hai ki kis tarike se PMO India ko bhi tag karte hue ki bhajpa ke sansad महिला की इज्जत करते हैं, महुआ मोइत्रा के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं और इस तरीके छेटाकशी करने वालों को पीएमओ इंडिया और जेपी नड्डा साहब जो भाजपा के बॉस हैं, आप लोग इन पर कार्रवाई कीजिए, ताकि नहीं तो आप सिर्फ ये कहना छोड़ दीजिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आप लोग करते हैं, स्टॉप टॉकिंग अबाउट दैट। फिर उन्होंने आगे लिखा कि मैं स्मृति ईरानी को कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि वो टैक्स पेयर बर्डन है हमारे लिए, जो कभी महिलाओं के लिए कुछ नहीं बोलती है, चुप्पी साध लेती है। तो स्मृति ईरानी को यहां पर कई महिलाओं ने जो है टॉन्ट करना शुरू किया और टिप्पणी की इन पर, खास करके इस गंभीर मामले पर। अब बात करते हैं रोहिणी सिंह ने क्या ट्वीट किया है, वो भी देखना जरूरी है कि उनकी टिप्पणी क्या है। रोहिणी ने शेयर किया, पॉलिटिकल डिफरेंसेस आर वन थिंग बट टू अब्यूज एन एंटायर स्टेट बाय कॉलिंग इट विकृत मानसिकता के बंगाल एंड फर्दर डिस्प्लेइंग ए कास्टेस्ट माइंडसेट बाय यूजिंग टर्म्स लाइक चांडाल इज अनफॉर्चुनेट डिस्टर्बिंग एंड अनएक्सेप्टेबल सैम्पल। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स ये दिखा करके निशिकांत दुबे अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को शेयर करते हुए रोहिणी सिंह ने लिखा कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस एक अलग थिंग है लेकिन बंगाल को ही विकृत मानसिकता का कह देना और फिर चांडाल चौकड़ी कहना, ये सब चीजें क्या एक सांसद को शोभा देती है? ये सारी चीजें जो हैं विवादों की बातें हैं, सेमफुल हैं, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। रोहिणी ने एक ट्वीट और किया है, वो भी जरा देखना जरूरी है कि वो क्या कुछ कह रही है। निशिकांत दुबे ने जो महुआ मोइत्रा को लेकर लिखा,
विकृत मानसिकता, उसी के ऊपर रोहिणी का ट्वीट है। आपका ट्वीट यह दर्शाता है कि आज भारत की संसद तक कितने हल्के लोग पहुंच गए हैं। तर्कविहीन होने पर महिलाओं के चरित्र पर ओछित टिप्पणी करना एक अशिष्ट और कमजोर पुरुष की पहचान होती है। उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पार्टी विद डिफरेंस के सांसद का यह ट्वीट पहुंचेगा, क्योंकि जिस हिसाब से निशिकांत दुबे शेर बनने चले थे और वाकई में जो बंगाल की शेरनी है उन्हें वो विकृत मानसिकता की बता रहे थे, वैशाली की नगर बधु बता रहे थे, उनसे पंगा उन्हें भारी पड़ने लगा। फिर देखिए छटपटाहट में दुबे जी ने भी ट्वीट किया है, लेकिन उससे पहले पूजा त्रिपाठी का भी एक ट्वीट देख लेते हैं, उन्होंने क्या लिखा है फिर आगे चर्चा करेंगे। पूजा त्रिपाठी ने लिखा, वाह निशिकांत जी वाह, जब अपनी नकली डिग्री पर जवाब नहीं दे पाए तो वैशाली की नगर वधु का ही आसरा मिला, यह निकृष्ट सोच है आपकी। राजनीतिक लड़ाई लड़िए हिम्मत है तो, ये चरित्र हनन करके बड़े मर्द बन रहे हैं आप। इस ओछित टिप्पणी पर स्मृति ईरानी जी माफी मांगेंगी, उन्होंने भी टैग किया है। और फिर दीपिका पांडे सिंह और महुआ मोइत्रा दोनों को भी टैग किया गया है। ये पूजा त्रिपाठी का मैसेज है। तो हर तरफ से निशिकांत दुबे बुरे फंस गए। वहीं चलते चलते दुबे जी का भी वह आखिरी ट्वीट देख लीजिए कि छटपटाहट में उन्होंने क्या लिखा है। दुबे जी ने लिखा कि अभी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आईएनसी इंडिया प्रवक्ता ने मेरे ऊपर टिप्पणी की, कांग्रेस अब अंग्रेजों या उनकी मानसिकता की पार्टी है, हिंदी यदि आती तो नगर वधु के संदर्भ को समझती, आज तो कांग्रेस पार्टी एआईटीसी ऑफिशियल की पिछलग्गू नजर आई, 2024 में कांग्रेस 10 सांसद के पास। अब इसको जरा समझिए कि ये कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के पिछलग्गू बनकर यहां पर सुप्रिया सुरेंद्र दिखाई पड़ती है। दुबे जी जरा समझना पड़ेगा कि तृणमूल कांग्रेस को लेकर नहीं, उन्होंने एक महिला के अधिकार और उसके सम्मान की बात की है सुप्रिया सुरेंद्र ने। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो है पिछलग्गू बन गए, अपने फर्जी डिग्री को छुपाने के लिए इस तरीके के बातों को कहकर माहौल को बिगाड़ने वाले दुबे जी को समझना पड़ेगा। महुआ मोइत्रा उनसे बहुत ही ज्यादा काबिल है, पढ़ी लिखी है, वो हर सेक्टर में दुबे जी पर भारी पड़ सकती हैं, और जितने भी महिलाओं के हमने नाम लिए वो सब उन पर भारी पड़ सकते हैं और भारी पड़ गए। जिस तरीके से अटैक हुआ है, निशिकांत दुबे को नींद नहीं आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।